हस्बैंड या वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए रिलेशन सारे संबंध बनाने के लिए कंटिन्यूसली मना कर रही है, तो ये माना जाएगा क्या? क्रेल्टी माना जाएगा। क्रेल्टी देख दो तरह के होते हैं, एक मेंटल एंड फिजिकल, ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल। दैट मीन्स जब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि फिजिकली किसी के साथ मारपीट कर रहे हो, तो मारपीट से इंजुरी चोट पहुँचा रहे हो, फिर डेट कर रहे हो, तो ये फिजिकल फियर आ जाएगा। और मेंटली मतलब कि आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, किसी को गाली ग्लोज कर रहे हो, मार नहीं रहे हो ऐसा, उसको ऐसे से बात कर रहे हैं टॉर्चर हो रहा है। लेकिन इसी में एक नया एक स्थिति ऐसा है जहां पर अगर वाइफ या हस्बैंड कंटिन्यूसली, ठीक है, मना कर रहा है कि सेक्स नहीं करने के लिए, तो एक इस ग्राउंड पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो है एक नया जजमेंट है जिसमें एक रिफ्यूज ऑफ सेक्स बाय हस्बैंड और वाइफ इज क्रुएल्टी माना गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट सेड